स्वागत है आपका स्टार्टअप क्लिनिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं हूं दिवाकर और आज आपके सामने हम स्टार्टअप क्लिनिक के माध्यम से और 99 सब्लिमेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम आपके लिए कीचेन प्रिंटिंग का प्रोसेस लेकर आए हैं सामने। और कीचेन प्रिंटिंग में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ है जिसमें आपको देखने को मिलेगी आज प्रशांत जी के साथ प्रिंटिंग का प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस की कीचेन प्रिंटिंग जो हम करने जा रहे हैं, आपको प्रोसेस जो बताने जा रहे हैं वो वुडन किचन की है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वुडन किचन जो कि आप दोनों साइड पे, जिस साइड ये प्रिंटिंग दिख रही है आपको और दोनों साइड में आप प्रिंट कर सकते हैं इसके ऊपर। और हम आज आपको वही हम सिंगल साइड में प्रिंट करके आपको दिखाएंगे कि इनकी जो डिज़ाइनिंग है किचन के ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो ट्रेंड्स हैं किचन के ऊपर किसी तरह के जो कोटेशंस होते हैं और जो ट्रेंडिंग कोटेशंस आज चल रहे हैं जैसे कि ऑनलाइन में आप देखते हैं प्रिंटिंग का कंप्लीट, तो वो हम कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ पर प्रिंटिंग का लेकर आपको प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस लेकर आए हैं। और ये हम 2D हीट प्रिंट मशीन में करेंगे जो कि टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। और उसमें हम जैसा कि टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इसमें कंप्लीट जो प्रोसेस दिखाते हैं टी शर्ट प्रिंटिंग की, उसमें इसके साथ उसी मशीन के साथ हम प्रिंटिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। तो ये हम आपको आज हम लेके चलते हैं अपने 99 सब्लिमेशन में जहाँ पर आपको प्रिंटिंग का जो हर प्रोसेस हम आपके लिए दिखाते हैं, तो वो प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे 99 सब्लिमेशन में। तो दोस्तों हम चलते हैं 99 सब्लिमेशन जहाँ पर हम किचन की जो किचन का जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस किचन का प्रिंटिंग का वो हम आपको दिखाएंगे। और आपसे हम यहाँ पर प्रशांत जी से मिलते हैं। हेलो प्रशांत जी, नमस्कार, स्वागत है जी। और हम आज फिर से आज हम आपके साथ आए हैं जो व्यूअर्स को आप बताएंगे कि हम इस मशीन के थ्रू जो मशीन में बहुत सारे हमारे हर वीडियो में इस मशीन को देखने को मिला होगा व्यूअर्स को जी, और इसी मशीन के थ्रू हम जो प्रिंट करने, तो आज हम क्या प्रिंट करके दिखाएंगे जी? मैं आपको किचन प्रिंट करके दिखाऊंगा। डिफरेंट टाइप की किचन है मेरे पास, 4 किचन है, देख सकते हैं डिफरेंट शेप की है। ये हार्ट शेप है, स्क्वायर शेप है, राउंड शेप है। तो ये किचन देख सकते हैं इनकी टाइप्स, इनमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये वुडन किचन है और ये इसमें वुडन में भी सर कई सारी वैरायटी आती है। ये वुडन स्पेशल वुडन है, सब्लिमेशन वुडन बोलते हैं, इसमें वुडन में भी कई सारी वैरायटी आती है, काफी सारी वैरायटी आती है, तो ये स्पेशल वुडन बोलते हैं इसको। तो इसमें देख सकते हैं ये वुडन में है, ओनली वुडन की प्रिंटिंग अभी दिखा रहे हैं आपको हम जी। इसमें किचन में बहुत सारी वैरायटीज है जो कि मेटल में भी है, तो मेटल में हो गया, एक्रेलिक में हो गया, मेटल में भी मैं आपको दिखा दूं और एक्रिलिक में भी दिखा दूं। अच्छे देख सकते हैं ये एक्रिलिक है कंप्लीट, इसमें भी बोथ साइड प्रिंटिंग कर सकते हैं और जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो कंप्लीट होती है। और ये है आपका मेटल किचन जो कि कंप्लीट मेटल, इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेप आते हैं, हार्ट हो जाता है इसमें बहुत सारे आते हैं जी, बिल्कुल हार्ट शेप अलग डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे कैमरे का देख रहे हो आप, ये बिल्कुल कैमरे का शेप की है। तो ऐसी डिफरेंट टाइप की कम से कम 350 किचन है मेरे पास, जो मेरे पास डिफरेंट टाइप की होती है। तो व्यूअर्स हम यही देखेंगे प्रोसेस कंप्लीट किचन का। और ये जो मैं बता दूं इसमें जो कटिंग होती है ये एक्चुअली ये जो शेप्स में बनते हैं ये लेजर कटिंग के थ्रू कटिंग होती है जी, बिल्कुल लेजर मशीन होती है जो लेजर से कटिंग होता है इसका। कोई भी वुडन हो, सीट आती है सर इसकी सीट आती है जी, बिल्कुल सीट आती है, सीट से लेजर से कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद फिर इस तरह से शेप निकलती है इसकी। तो इसकी मान लीजिए हम सीट लेते हैं और उसकी लेजर मशीन के थ्रू अगर हम स्टार्टअप करते हैं अपने बिजनेस को कंप्लीट सीट के थ्रू जो लेजर मशीन का वुडन के लिए, तो प्रॉफिट रहेगा हमारे लिए? बिल्कुल सर प्रॉफिट रहेगा, क्यों नहीं प्रॉफिट रहेगा। लेजर मशीन एक अलग मशीन है जो एक्रेलिक और मतलब एक्रेलिक भी काट सकते हैं, मेटल भी काट सकते हैं और वुडन भी काट सकते हैं, पर लेजर उनके लिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के लगते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी इसमें वैरायटीज हम लेजर मशीन के थ्रू ये कटिंग हुई है और इसके ऊपर ये सब्लिमेशन की कोटिंग होती है जिसके ऊपर हम प्रिंट करते हैं, जिसके ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग होती है। तो आइए हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ अपने कंप्लीट प्रोसेस को, वीडियो को पूरा देखिएगा कहीं मिस मत करिएगा जी। तो प्रशांत जी बताइए जी। बिल्कुल सर बिल्कुल, एक तो सबसे पहले एक सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, डिजाइन हम वर्चुअल बॉक्स इम्पोर्टेंट जी, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। और एक डिजाइन हम लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है हमारी कंपनी का 99 सब्लिमेशन का, ठीक है। एक फिर आ जाता है हमारा प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर में सिर्फ सब्लिमेशन इंक रहेगी, 99 सब्लिमेशन की इंक होगी, वाटर प्रूफ इंक होगी। और जो पेपर हम यूज करते हैं जी, बिल्कुल मैं बता देता हूँ उसके बारे में भी, ये जो पेपर है 99 सब्लिमेशन का पेपर है, ठीक है, 105 GSM का पेपर है, हर वैरायटी का आप इसमें कर सकते हैं। एक खास बात और है इस पेपर में सर, जैसे डिफरेंट जैसे बोलते हैं कि लोग कि मैं तो जांच नहीं बढ़ पा रहा है कि किधर से मैं प्रिंट निकालूं, पर लेकिन इसमें क्या है किधर से भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट प्रॉपर हो जाएगा बिल्कुल। तो व्यूअर्स देख सकते हैं पेपर की जो क्वालिटी और इसकी जो खासियत है
वो है कि इसमें आप दोनों साइड में प्रिंट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। पहले बहुत सारी जैसे प्रॉब्लम होती थी कि व्यूअर्स बहुत से लोग ऐसे पूछते थे कि प्रिंटिंग जो होती है इसमें सिंगल साइड में ही होती थी, क्योंकि जो कोटिंग होती है सब्लिमेशन की मेन इंपॉर्टेंट वही होती है। जी सब्लिमेशन की जो कोटिंग होती है वो आपको पेपर के ऊपर होने के बाद ही इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसमें आपको उसकी कोई मतलब गलतफहमी नहीं होगी, इसमें इसमें आप दोनों साइड में कहीं भी कोई भी साइड प्रिंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कुशाल जी। और आप ये सब बता दीजिए प्रोसेस, प्रिंटर हो गया, सिक्स कलर की इंक हो गई, पिगमेंट इंक होगी, जो पिगमेंट सॉरी पिगमेंट इंक नहीं वाटर प्रूफ इंक है सब्लिमेशन जी। तो ये प्रिंटर हो गया L805 प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये हैवी ड्यूटी मशीन है सर, इससे कम से कम आपके 1000+ आइटम बन जाएंगे इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कि मैं कुछ आइटमों के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे आईडी कार्ड हो गया, जैसे मैंने आईडी कार्ड की आपको वीडियो बना के दिखाई थी, ठीक है। आईडी कार्ड हो गया, ग्लास प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ग्लास के अलावा टाइस प्रिंट भी कर सकते हैं आप, जीन्स प्रिंट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जीन्स के अलावा ब्लेजर इसमें प्रिंट कर सकते हैं। आइटम्स हम देख सकते हैं यहाँ पर जी, बिल्कुल जो आइटम्स है वही सारे आइटम्स है उसमें जो आप बिल्कुल सर देख सकते हैं। दोस्तों व्यूअर्स देख सकते हैं जैसे कि ये फ्रेम है, ये फ्रेम भी आप इसी के इसी मशीन के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ये कम्प्लीट फ्रेम आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसी मशीन के थ्रू होगी हुई है ऑलरेडी, वीडियो से आप देख सकते हैं। ये सारे जो फ्रेम्स आप देख रहे हैं ग्लास फ्रेम्स है, ये भी आप वुडन के देख सकते हैं, ये भी वुडन का ही फ्रेम है जो प्रिंट हुआ इसी मशीन के थ्रू। तो यही हम प्रोसेस देखते हैं कंप्लीट। चलिए अपने वुडन किचन का भी ठीक है ये सर, इससे प्रिंट निकलेगा एप्सन L805 से प्रिंट निकलेगा, इस टाइप से प्रिंट निकल जाएगा। अब मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसका टाइमिंग और टेम्परेचर क्या होता है सर। अगर जो टाइमिंग और वुडन के लिए टेम्परेचर रखेंगे इस मशीन के लिए, तो इस मशीन के लिए 200 टेम्परेचर रहेगा, 80 सेकंड में हम लोग प्रिंट करेंगे। 80 सेकंड जी बिल्कुल, हमें 80 सेकंड वुडन के लिए हमें 80 सेकंड की टाइमिंग लगती है, और टेम्परेचर वही हमारा 200 डिग्री जी। ये टेफलॉन सीट है, जो टेफलॉन सीट यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेफलॉन सीट आती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग वेराइटी की टेफलॉन सीट आती है। तो सर इस पे क्या होता है, जैसे हम प्रिंट करते हैं कभी तो इस पे एक लेयर होता है, जैसे देख सकते हैं कि आप एक लेयर है, इस लेयर को निकालेंगे जब ही प्रिंट कर सकते हैं आप, जब ही कभी क्वालिटी आएगी प्रॉपर आपकी। जैसे कि ये लेयर होती है इसके ऊपर, जी जी बिल्कुल लेयर होती है। ये लेयर एक्चुअली इसलिए दी जाती है व्यूअर्स, क्योंकि ये लेयर्स जब लेजर कटिंग होती है, मैं बता देता हूँ आपको कि जब लेजर कटिंग होती है तो उनके निशान उनके जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल कम्प्लीटली आ जाते हैं। तो उसके लिए उसके ऊपर से एक लैमिनेशन होता है, ये पॉली लैमिनेशन होता है, जिसके कारण क्या लेजर कटिंग के बाद जब हम इसे पिन करते हैं तो उसकी कोई भी मतलब जो मार्क होती है वो आपको नहीं दिखेगी, और कम्प्लीट आप प्रिंटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो प्रोसेस हम दिखा रहे हैं आपको किचन के प्रिंटिंग का, तो इस तरह से हमें सेट करनी होती है किचन को जी, और पेपर को जिस तरह से हम प्रेस कैसे कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और इसके बाद प्रेस कर देंगे। जैसे कि हर बार बताता हूँ कि मैं ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की मशीन है, तो ये कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे कि प्रशांत जी बता रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे ही हम मशीन को यहाँ पर प्रेस करते हैं टाइमिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है जी, और प्रिंटिंग जो हमारी है 60 सेकंड में रेडी हो जाएगी। 60 नहीं सर, 80 सेकंड में। 80 सेकंड दोस्तों, 80 सेकंड में हमारी प्रिंटिंग कंप्लीट रेडी हो जाएगी, और आप देख सकते हैं किचन की जो प्रिंटिंग है इस तरह से, जो हमारे पास ऑलरेडी एक सैंपल पड़ा हुआ है यहाँ पर किचन का, तो ये किचन आप देख सकते हैं इनकी इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी को। तो ये भी हम आपको डिजाइंस के साथ दिखाएंगे कि इसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस, क्योंकि किचन इंपॉर्टेंट बहुत सारी हैं, बट इंपॉर्टेंट होता है डिजाइंस की, वो डिजाइंस कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो डिजाइंस की हम बात करेंगे प्रिंटिंग के बाद, आपको दिखाते हैं कंप्लीट। और दोस्तों इसकी कॉस्टिंग की बात कर ले तो इसमें वुडन की जो प्लैंक जो ये आते हैं ये, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है जी सर? इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है ब्लैंक कॉस्टिंग जो पड़ती है इसकी 8 रुपये पड़ती है। 8 रुपये जी बिल्कुल, 8 रुपये पड़ती है इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है, और मात्र कितने रुपए इसकी प्रिंटिंग, 50 पैसे प्रिंटिंग इसकी कॉस्ट पड़ती है। 50 पैसे मतलब बिल्कुल ये मान के चलो 1-2 रुपये में आपकी किचन तैयार हो जाती है, आप कम से कम 40 रुपये 20 रुपये 25 मतलब जैसे भी कस्टमर मिल जाए आप ले सकते हैं इसको सेल करने का। बट ये तो हो गया डिजाइनर वाले, अब अगर हम किसी कस्टमाइज कर लें किसी बिल्कुल इस तरह की
जैसे कि ये है इसमें डिजाइनिंग का जो है इसमें तो कस्टमाइजेशन किया हुआ है, इसकी कॉस्टिंग कितनी हो सकती है? इसकी कॉस्टिंग अब 40 रुपीज़ में आप बेच सकते हैं इसको, ठीक है 40-50 मतलब वेरी करती है ये, वो पर्सन बाय पर्सन की आप जी बिल्कुल ब्रांड हो चुका है देख सकते हैं आप। दोस्तों ये हमारा जो डिज़ाइन है टी शर्ट का कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट ये बहुत ही थोड़ा गर्म है दोस्तों। देखिए जैसे कि ये प्रिंटिंग देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग की बात कर रहा था मैं कि डिज़ाइनिंग जो हम चूज़ करते हैं इसके लिए जैसे कि मान लीजिए कस्टमाइजेशन अगर है तो वो तो हम फोटो लगा कर लेंगे, बट जो डिज़ाइन जो कि ऑनलाइन में आप देख सकते हैं किचन के डिज़ाइन की बात करें तो इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन आपको देखने के लिए वो भी कोटेशंस के साथ। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि डिज़ाइंस और डिज़ाइंस की हम हमेशा बात करते आए हैं कि डिज़ाइंस को इम्पोर्टेंट देते आए हैं क्योंकि कस्टमाइजेशन तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो आएगा आपके पास बनाएगा, बट डिज़ाइन क्या है कि आप डिस्प्ले करोगे ऑनलाइन में और लोग उसे ऑनलाइन में देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन का डिजिटल का ज़माना है और इसमें आपको कम्प्लीटली डिजिटली जो भी पर्सन जो सोशल मीडिया में सोशल नेटवर्किंग जो एक्टिव रहते हैं तो उनके हमेशा आप ऑनलाइन में वो देखते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें डिस्प्ले में होते हैं तो कम्प्लीटली आप देख सकते हैं इस तरह से किचन को हम रेडी कर सकते हैं। इस तरह से ये जो छल्ले होते हैं साथ में आप इस तरह से लगाएंगे इसको और ये कंप्लीट इस तरह से किचन आपका रेडी हो जाएगा। तो मैं मार्केटिंग की बात कर रहा था कि इसकी मार्केटिंग जो है ऑनलाइन में कितनी बेहतरीन है और डिजाइनर्स की जो मार्केटिंग होती है उससे बेहतर मार्केटिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है आपने देखा यहाँ पर और ये जो मार्केटिंग का भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आप हमारा और भी वीडियोज़ देख सकते हैं और उसमें आपको हमारे मोहन सर जो मोहन चंद्रा सर जो कि स्टार्टअप क्लिनिक के फाउंडर और 99 सबमिशन के फाउंडर भी है और वो जो बिजनेस के गाइडेंस जो स्ट्रेटजी होती है हर बिजनेस के बारे में बताते आए हैं तो वो कंप्लीट आपको यहाँ पर इस सपोज अगर आपको किचन के रिलेटेड या फिर वुडन प्रोडक्ट के रिलेटेड जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी चाहिए उसके जैसे सपोज आपको लेजर मशीन की आपको स्टार्टअप करना है तो दोस्तों ये देखिए ये कम्प्लीट इस तरह से आप किचन को एक साथ अच्छा जी एक साथ हम कितना किचन कर सकते हैं इसमें कम से कम एक साथ कम से कम 20 किचन कर सकते हैं 20 किचन जी बिल्कुल 20 किचन कर सकते हैं हम मात्र 80 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल 80 सेकंड में 20 सेकंड जी बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से कम समय में हम इसकी प्रिंटिंग भी हो जाएगी हमारे पास और आप ऑनलाइन में अगर आप कर रहे हो आप शेड्यूल को आप इस तरह से ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं बहुत ही कम समय में क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं अगर ई कॉमर्स आपकी जो वेबसाइट है तो उसमें अगर आप इस तरह से आप अपने लिस्टिंग कर देते हैं इस तरह किचन्स की बहुत सारे जैसे गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स हैं मग्स की कॉफ़ी मग्स की जो कि ट्रेंडिंग में है आजकल बहुत सारे और डिज़ाइन की बात हो तो यही इसी तरह से बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिसको आप ऑनलाइन में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं प्रशांत जी से धन्यवाद बोलूँगा और कहूँगा कि थैंक यू प्रशांत जी 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 को आपने किचन के बारे में बताया और दोस्तों चलते हैं फिर हम स्टार्टअप क्लिनिक में बात करते हैं आपको बिजनेस की जो गाइडेंस हम बताते हैं कि किस तरह से बिजनेस का जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से कंप्लीट करना है इस तरह से स्टार्टअप क्लिनिक में आकर और किचन के साथ साथ और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आप जान सकते हैं और इसकी मार्केटिंग के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि हम यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर प्रिंटिंग सॉल्यूशन है कंप्लीट। तो दोस्तों इसी तरह से हम आपके लिए हमेशा वीडियोस इसी तरह से बनाते रहेंगे और स्टार्टअप क्लिनिक ऐसा सेंटर है जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिंटिंग सॉल्यूशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिसके आप वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर सकते हैं उसके ऊपर स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर दबाइए ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों देखते रहिए।